पिछले दो महीने से योगी के खिलाफ माहौल बना रहे दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्या को योगी आदित्यनाथ ने सबक सिखा दिया है और ऐसा झटका दिया कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्या दोनों भौचक्के रह गए। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी में उठापटक जारी है। बीजेपी के नेता ही बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ योगी के खिलाफ दिल्ली भी माहौल बनाने में पीछे नहीं रहा और अब लग रहा है कि योगी को हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक योगी के खिलाफ लाख अभियान चलाने के बावजूद अमित शाह का हर मोहरा मात खाता जा रहा है। ऐसे में यूपी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। खबरों की माने तो योगी आदित्यनाथ ने दोनों डिप्टी सीएम के पर कतर दिए। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की केंद्र में पोस्टिंग जल्द ही हो जाएगी। गोयल की जगह पोस्टिंग के बाद उनकी जगह मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ले सकते हैं। संजय प्रसाद के पास सूचना, नागरिक उड्डयन समेत अन्य विभागों का अतिरिक्त कार्य प्रभार भी मिल सकता है उन्हें। इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव हिमांशु कुमार बदले जा सकते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा को भी बदलना तय है। सूत्रों की माने तो दोनों डिप्टी सीएम ने शीर्ष नेतृत्व को प्रमुख सचिव की कार्यशैली को लेकर शिकायत की थी, तो इसीलिए बदलाव हो रहे हैं। खबरों की माने तो कृषि उत्पादन आयुक्त के लिए 1989 बैच की आईएएस मोनिका एस गर्ग, अनिल कुमार और मनोज सिंह दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुख्य गृह सचिव दीपक कुमार के पास वित्त और माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनी रहेगी। विधानसभा उपचुनाव तक सीएम को गृह विभाग में विश्वस्त अफसर चाहिए। दीपक कुमार सीएम के विश्वसनीय अफसर हैं। उनको नियुक्त एवं कार्मिक या किसी एक अन्य बड़े विभाग की जिम्मेदारी और मिल सकती है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी ने दोनों मुख्यमंत्रियों के पर कतर दिए। देखना होगा आगे उस पर विवाद होता है या फिर नहीं। लखनऊ और दिल्ली की तनातनी तो आप जानते ही हैं और इसी बीच अब उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दोनों मुख्यमंत्रियों के विभागों के साथ छेड़छाड़ करके योगी ने दिल्ली और दोनों डिप्टी सीएम को चैलेंज कर दिया कि यूपी में वही होगा जो योगी आदित्यनाथ चाहेंगे। राजनीतिक पत्रकारों की माने तो यूपी के ब्यूरोक्रेसी में अहम पदों पर तैनात रहने वाले अफसरों को सरकार पर फोकस और ध्यान देना होगा। अपनी कार्यशैली और योजना को उसी के अनुरूप ढालना होगा। एक आईएएस अफसर ने बताया कि सीएम योगी पूरी तरह एक्शन मोड में है। ऐसे में उनके लक्ष्य की आड़ में कोई भी अफसर आया तो वो नप जाएगा। आप जानते हैं कि यूपी में होने वाले उपचुनाव को योगी का चुनाव माने जाने लगा है, क्योंकि अगर इसमें हार हुई तो योगी की आलोचना जरूर होगी। इसके साथ ही साथ योगी की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में योगी अपने कदम फूंक फूंक कर अब रख रहे हैं ताकि हार न मिले। उसी का नतीजा है ये लगातार तबादले। हम यहाँ पर योगी के उपचुनाव के दौरान दिया एक भाषण आपको सुनवाते हैं। आप सुनिए और अंदाजा लगाइए कि कितना योगी पर दबाव है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले यहां पर भैंसा छितौनी तटबंध को लेकर के, नारणी नदी में बाढ़ बचाव के कार्यों को लेकर के सिंचाई विभाग के जो अभियंता कार्य करते थे उनकी निर्मम हत्या होती थी। माफिया हावी थे। जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त, अराजकता समाप्त, गुंडागिर्दी समाप्त, बाढ़ बचाव के लिए किए गए उपायों का परिणाम है। बाढ़ में लोगों को राहत मिल रही है और कुशीनगर जनपद तो इसलिए भी आवश्यक था कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के साथ साथ दुनिया शांति, मैत्री और करुणा की पावन भूमि के रूप में कुशीनगर को देखती है। दुनिया भर के लोग आज कुशीनगर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और कुशीनगर को दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ही सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं
आज वह मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कुशीनगर में याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले नौकी बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस और मस्तिष्क ज्वर से सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होते थे, पीड़ित होते थे। आज बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब तो कुशीनगर में कुशीनगर वासियों का अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है, तो मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। कृषि यहां की आजीविका का मुख्य केंद्र है, यहां की आजीविका का मुख्य आवश्यकता है, और इसीलिए कृषि की आधुनिक तकनीक यहां के लोगों को मिल सके, शोध और विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ा सके, इसके लिए हमने प्रदेश का एक नया कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर जनपद को उपलब्ध करवाया है और उसका शिलान्यास होकर के कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। दुनिया भर के लोग यहां आ सके और यहां के लोग भी देश और दुनिया में जा सके, इसके लिए यहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी कुशीनगर में कर दिया गया है। कुशीनगर की सड़कें याद करिए, इससे पहले कैसी थी, क्या हाल हुआ करते थे, पता ही नहीं लगता था कि सड़क है या गड्ढा है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं लगता था। आज आपके यहां सड़क कितनी चमचमाती हुई, सड़कें सभी ओर से जोड़ती हुई दिखाई देती है। ये विकास के उन मानकों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है जो यहां की आवश्यकता थी, और इसीलिए लगभग 600 करोड़ रुपए की बाढ़ बचाव के कार्य आज दिखाई देते हैं। बोल्डर से पिचिंग होती है, बकायदा यहां पर कटाव निरोधक ऐसे उपाय किए जाते हैं जिसके कारण यहां के लोगों को छितौनी तटबंध के से ग्राम भैंसा तक निर्मित जो स्पर है उनको बचाव करने से इस क्षेत्र में अकेले 83 गांवों की 1,16,000 से अधिक आबादी और लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि, कृषि भूमि सुरक्षित हुई है, और इससे हमें बाढ़ बचाव के साथ इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है।